नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक APN सेटिंग बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मैनेजर का ऑप्शन दिया हो सकता है या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको जाना है वहाँ पर, उसके बाद आपको जियो सिम जो भी सिम वन में लगा हुआ है सिम टू में चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको क्लिक करना है, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है APN। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस देख सकते हैं जियो फाइबर, जो कि मेरा एक पहले मैंने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर रिजेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पर आपको थोड़ा रिजेक्ट में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद रिजेक्ट मैंने कर लिया। ऊपर में प्लस का आइकॉन देख सकते हैं या फिर आपका नीचे भी आइकॉन दिया हो सकता है, तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पर नेम है, APN है, तो इस तरह का नेम, पहले आपको नेम में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों आप लोगों को जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, जियो और एक स्पेस, उसके बाद फिर कैपिटल NET जियो नेट, और उसका फिर एक स्पेस, और उसके बाद लिखना है 4.00 और ये 5, ये लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा ध्यान से लिखिएगा वरना आपको जो है ऐसे थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद APN को दोस्तों, उसके बाद आता है APN में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जियो 4 स्पेस देख के जियो नेट जो कि सारा कैपिटल होगा। ये लिखने के बाद इसको सेव कर देना है इसको भी, और उसके बाद आता है प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दें। ठीक है, उसके बाद आता है पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है यूज़र नेम में आपको लिखना है, यहाँ पर यूज़र नेम को भी इस बार आपको नॉट सेट रहने देना होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है पासकोड को भी नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर में यहाँ पर आप लोग को लिखना है www.google.com और ये लिखने के बाद आपको इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आता है दोस्तों जो है MMSC, MMS Proxy और MMS Port, ये तो मैंने जितने वीडियो बताया इसमें इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, इसमें कुछ सेटिंग ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है MCC और MNC, ये तो आपका एरिया कोड है, मैंने सारे वीडियोज़ में बताया है इसको जो है छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इससे ये आपका एरिया कोड होता है और इससे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी डिले हो सकता है, और भी धीरे हो सकता है। ठीक है, तो इससे जो है ये आप मत कीजिएगा। सो उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे वाले में पेपर चेप में कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नॉट सेट रहने देना। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसमें आपको IPv4 या फिर IPv6 हो सकता है, तो आपको सबसे नीचे वाले IPv4 प्लस IPv6 वाले में कर देना है। उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी आपको IPv4 या फिर IPv6 हो सकता है आपके फ़ोन में, तो आपको सबसे नीचे वाले IPv4 प्लस IPv6 में कर देना है। उसके बाद आता है बेयरर, जो कि APN का सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, तो बेयरर में आपको यहाँ पर करना है अनस्पेसिफाइड, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर टच कर लेना है इसको, और यहाँ पर सबसे अनस्पेसिफाइड को यहाँ पर अनटिक करके सारे में जितना आपको सपोर्ट करता है आपके फ़ोन में सारे को टिक कर देना है, एक एक करके सारे को। अगर सारा सपोर्ट करता है तो ठीक है, वरना सिर्फ LTE को क्लिक करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारा टिक कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह सबको टिक कर लेना है, उसके बाद ऐसे कट हो जाना है। उसके बाद आता है MVNO टाइप, इसको नन रहने देना है। उसके बाद हो सकता है आपका जो सेव का ऑप्शन है वो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर में हो सकता है, तो मेरा यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ऊपर में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं सेव, और ये मेरा सेव हो चुका है। और एक बार जियो नेट 4.005 में यहाँ पर एक बार टच कर देना, आपका इंटरनेट स्पीड जो है बेहतर हो जाएगा। सो अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है बेहतर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो रहा होगा वो नॉलेजफुल रहा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।